अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक वालेकुम हैं? जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? सेहत कैसी है? माशाल्लाह सर अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक सर, बिल्कुल माशाल्लाह, सर, तबीयत भी परफेक्ट है, सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स गुड नाउस बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू कर इसमें अल्लाह की बरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। और बेशक कुछ फ्रेंड्स अभी मेरे ख्याल हमारे साथ आ गए हैं और कुछ अभी मेरे ख्याल में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक हो गए सर, कोई मसला नहीं। जी, और आप सुनाएं कैसे? ऐसा मैं जी बता नहीं, जूम बोले। ठीक ठाक। मैं कह रहा था अभी मेरा थोड़ा सा इशू ही आ रहा है, नहीं क्या मसला हो रहा है कि मैं जूम का मतलब कैमरा ऑन करता हूँ तो मेरा ना नेटवर्क स्लो है, ओके ओके ठीक तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए खोल लेता हूँ, खोल भी लूंगा, अगर जहाँ मसला होगा तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है सर? ठीक 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 ये बहुत से लोग तो आप तो माशाल्लाह इस ग्रीन शर्ट को देखने के लिए बैठे हुए होंगे आज। मैं असल में ना, मैंने कहा ये जो ग्रीन शर्ट है आज ये पहन के ना, असल में मैं बना रहा था एक नया गाना, हमारा एक आ रहा है जल्दी, तो उसी कुछ पीसेस से गिटार के तो वो प्ले कर रहा था, तो मेरे अच्छा। सामने शर्ट पड़ी हुई थी, मुझे जाना था जल्दी से लाइव, मैंने जल्दी जल्दी पहनी और मैंने कहा चलो इधर भी लाइव जाना तो चले जाते हैं रेडी। दैट्स गुड। ये सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आज का सेशन हमारा है यूट्यूबर के ऊपर, जिसके ऊपर श्री लियाकत हमें ब्रीफिंग देंगे कि हम यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हैं, यूट्यूब का अकाउंट कैसे ओपन होता है, उस पर अर्निंग कैसे की जा सकती है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और इसके ऊपर कैसे एक बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकती है। लास्ट सेशन हमारे साथ था श्री लियाकत का, जो फोटोग्राफी के ऊपर हमें सेशन दिया था, जो बहुत ही ज्यादा जो है मकबूल हुआ, और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि श्री साहब कब हम प्रॉपर एक सेशन देंगे। तो मैं होस्ट कन्वर्ट करता हूँ शदील भाई के पास। शदील, आर यू लिसन? जी जी सर, जी प्लीज कंटिन्यू प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, आज वैसे तो मतलब ये टॉपिक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मतलब मेरा इस टॉपिक से तकरीबन कोई 10 से 12 साल का मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है। तो YouTube तो खैर बाद में आया, लेकिन उससे पहले जो हमें एक बहुत ज्यादा बेनिफिट देता था वो ये था कि वो ब्लॉग्स होते थे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स होते थे, हम लोग पेजेस पे काम करते थे और वेबसाइट्स वगैरह बनाते थे, फिर हमें एड्स जो है ना पे करता था। खैर यूट्यूब के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको पता है कि वहां पर आपको वीडियोस प्रोवाइड होती हैं और कम्युनिटी प्रोवाइड होती है, आप एक वीडियो टीम वर्क कर सकते हैं, इनके अलग अलग मतलब अलग अलग जो है कम्युनिटीज हैं इनकी जो बनी हुई है यूट्यूब की, जो हम लोग मोस्टली मतलब नहीं देखते। हमारा काम होता है कि हम लोगों ने कोई भी अगर नासिर खान जान की वीडियो देखनी है तो हम लोग पहली फुर्सत में जाते हैं यूट्यूब पर, लिखते हैं नासिर खान जान वाओ, ताहिर शाह का कोई नया गाना आता है आई टू आई या एंजल कोई भी गाना आता है तो हम लोग सबसे पहले पहले जाते हैं और सर्च करते हैं, मतलब हम लोग यूट्यूब इस बेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब यूट्यूब एक इसके साथ साथ ना यूट्यूब की अलग अलग कम्युनिटीज हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर ये है कि आपको वीडियो कॉल्स मतलब एक फैसिलिटेट करता है जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिट्स हैं। यूट्यूब के और भी बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब वो बात की चीजें हम लोग बाद में बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल, एक सवाल आता है कि आप यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था, मैं कहता था कि यार या अल्लाह ऐसा कोई यूट्यूब चला दो मेरा कि पहले दिन मैं YouTube में एक वीडियो डालूं और मेरा अगले दिन पैसे आना शुरू हो जाए, बरसात हो जाए, मतलब दादा को उमरा करा दूंगा, हज करा दूंगा, मतलब ऐसा कोई सीन होता नहीं है मतलब क्लियर लफ्जों में ना। लेकिन YouTube आपको अगर आपके कंटेंट को आपको पसंद कर ले, ठीक है, आपके कंटेंट की वर्थ की वैल्यू मतलब पहचान ले, जान ले, तो यकीन करें कि आप अपने घर के अलावा पूरे शहर को, अपने खानदान को दावते करवा सकते हैं, मतलब ये कोई बड़ा मुश्किल टास्क भी नहीं है। अच्छा, YouTube पे अर्निंग कैसे होती है, कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, अलग अलग बेसिकली पार्ट्स हैं ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग पहले बात करते हैं कि YouTube पैसे किस तरह देता है, पैसे कैसे कमा सकते हैं फ्रॉम YouTube।
अच्छा, YouTube ने एक बड़ा मजे का चक्कर चलाया हुआ है कि वो कहता है कि आप अपना एक YouTube चैनल क्रिएट करें। YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद अपना एक स्पेसिफिक, देखिए ये हम लोग मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसके अंदर आप, हेलो, अच्छा चल जिस दिन हम लोग आ रहे हैं, जी, तो उसमें ये होता है कि ना बहुत सारे जगह पर ये होता है कि आप जब आप बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, मतलब आप, क्या होता है कि सबसे पहले YouTube कहता है कि आप अपना एक चैनल क्रिएट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद कोई एक टॉपिक आप चूज करें, मतलब एक टॉपिक चूज करने से मुराद ये होता है कि हमारे यहाँ पता है क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ना किसी से सुन लिया, मेरे चाचा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा जो है ना वो YouTube चलाता था, और उसने क्या किया कि उसने जाकर एक वीडियो डाली और वो हिट। अच्छा, अच्छा, तो ऐसा बेसिकली कुछ भी नहीं होता। तो दूसरी बात ये कि जो चचा का चचा का चचा का बेटा जो आपका वीडियो बनाकर डाल रहा है, वो कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा होता है, कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो होती है जो वायरल हो जाती है। YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक टॉपिक के ऊपर काम करें। एक टॉपिक पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो एक टॉपिक के ऊपर काम नहीं करते। वो क्या करते हैं कि अलग अलग टॉपिक को उठाते हैं, अलग अलग टॉपिक को लेकर वो अलग अलग वीडियो बनाते हैं। एग्जाम्पल, मेरे चैनल है, उस चैनल का नाम है कुकिंग रेसिपीज के ऊपर। अच्छा, अब मैं उसके अंदर जनाब इंडियन सॉन्ग भी डाल रहा हूँ, अमेरिकन सॉन्ग भी डाल रहा हूँ, उसके अंदर मेरे कहीं अल्लाह ना करे कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है मैं वो भी डालता हूँ, अल्लाह ना करे कुछ और कहीं पर होता है तो वो भी डालता हूँ मैं। तो मतलब हर चीज मैं चला रहा हूँ साथ साथ। ये होता है कि मेरा मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब YouTube इन चीजों को देख रहा होता है कि यार आपका YouTube चैनल के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियोस नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैनल बनाया हुआ मतलब कुकिंग रेसिपीज, लेकिन आपके साथ एक दिमाग वीडियो अपलोड करके तो आप कहते हैं कि इस पे वीडियो नहीं आ रहे और रेसिपीज आ रहे हैं। ये टॉपिक नहीं है, ये एक कीवर्ड नहीं है आपका। YouTube कहता है कि आप एक टॉपिक के ऊपर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो आज अभी जो सबसे ज्यादा की है आप लोगों के लिए, मतलब सब सब खातूनों के लिए, ये इस टाइम हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है, और हॉट ट्रेंडिंग इस टाइम जो है ना बेसिकली ये कीवर्ड है वो है कुकिंग के ऊपर। ठीक है कि आप लोग अपना अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, कोई एक अच्छा कुकिंग के ऊपर एक कोई नाम सोच लें, उसके ऊपर आप चैनल बनाएं। अच्छा, कुकिंग हो गई, सिलाई कढ़ाई या मतलब, ओके, नेवर माइंड। फिर आप इसको माइक ऑफ करवा दो ना। मैं माइक बंद कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप जो है ना ऑप्शन होगा आपके पास म्यूट का ना, आप इनको म्यूट कर दोगे तो फिर इनकी आवाज नहीं आएगी हमारे पास, ताकि आपका सेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके सर, मैं देख लेता हूँ सर, अभी मुझे म्यूट कर दोगे तो पहले पसंद म्यूट हो जाएगा। चलिए, मैं तो नहीं हो जाऊंगा ना। नहीं, आप ही होंगे। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा जी, चले, सॉरी इंटरप्शन के लिए। अच्छा, अब चक्कर ये है कि लड़कियां जो हैं बेसिकली जितनी भी चीजें बना रही हैं, ठीक है, जितना भी काम कर रहे हैं गर्ल्स मोस्टली, आप क्या करें कि देखें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं चाहिए आपको कि आपके पास DSLR होना बहुत जरूरी है, आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर लिखें, अगर आपने कुकिंग के ऊपर करना है, आपने फॉर एग्जाम्पल मशरूबात लाइक के ड्रिंक्स हो गए, ड्रिंक्स के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, मतलब आप रूह अफ़ज़ा के आइटम बता सकते हैं कि रूह अफ़ज़ा कैसे बनता है, मिंट मार्गरीटा कैसे बनता है, जूसेस कैसे बनते हैं, मतलब एक लाइन पकड़ लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फूड के ऊपर काम किया तो फूड के अंदर ड्रिंक्स भी आ जाती है, मतलब ये चीज भी आ जाएंगी, मतलब आप साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फूड मतलब फूड फूड बॉक्स कर दिया आपने या कोई ऐसा नाम रख दिया, तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। अच्छा, अभी मैं लड़कों की तरफ भी आता हूँ। ये जो तो टॉपिक्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इस टाइम ट्रेंडिंग के ऊपर है, इस टाइम हॉट टॉपिक्स हैं, ये वाले वर्ड्स हैं, और इसमें पता है सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आपका चैनल वायरल होने में देर नहीं लगेगी।
वीलॉगिंग करते हैं लोग, वीलॉगिंग करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इस टाइम, ट्रेंडिंग पे चल रहा है वीलॉगिंग करना, मतलब वीलॉगर बहुत सारे हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर भी, इवन मुल्तान में बहुत सारे वीलॉगर्स हैं जो मैं देखता हूँ अक्सर, मतलब वीडियोस आते हैं, लिंक्स आते हैं और वो करता हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि ना, अभी एक सवाल है वो मैं बाद में इसका डिस्कस करता हूँ, मैं ये बता दूँ तो इसी सवाल के अंदर ना आपको जवाब मिल जाएगा, जब आप वीडियो का कंटेंट अपने क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू कुक लाइक आलू का पराठा, ठीक है, अब मैंने ये डाल तो दिया है आलू का, हाउ टू कुक आलू का पराठा, ठीक है, अब उस आलू के पराठे के अंदर मैंने पूरी रेसिपीज डाली है, अच्छा उसके अंदर लोग क्यों देखें आपकी वीडियो, मतलब आपकी वीडियो आपका कंटेंट ऐसा क्या है आपकी वीडियो और कंटेंट के अंदर कि लोग क्यों देखें, क्यों इंटरेस्ट पैदा करें? देखिए, आपकी वीडियो का कंटेंट बहुत जरूरी है। देखिए, हर बंदे को पता है कि चाय कैसे बनती है, ठीक है, मैं अगर एक टॉपिक पे बात करता हूँ कि हाउ टू मेक चाय और चाय कैसे बनती है, चाय बनाना सबको पता होगा मेरा ख्याल है, आजकल बाहर आप चले जाएं तो होटलों में मैक्सिमम चाय बन रही है, हर किसी को पता है कि पहले पानी लो, मतलब पत्ती डालो, दूध डाल दो, चीनी डाल दो, चाय तैयार, रेडी, बिल्कुल ओके हो गया। अच्छा, अब मेरा एक मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक उस वीडियो के अंदर मैंने टाइटल या थंबनेल मैंने दिया, उसमें मैंने लिखा कि मेरा मतलब ये चाय जो है दिस टी मेड फॉर कोरोना पेशेंट्स, ठीक है, अब हर बंदा इसको फॉलो करेगा, ठीक है, वो क्यों करेगा, क्योंकि मेरा टॉपिक इस तरह का है, क्योंकि मेरा एक मैंने वर्ड ऐसा ले लिया जो इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है, कोरोना मतलब एक हर किसी का है, लेकिन अब मैंने चाय अपनी बेचनी है, ठीक है, अब वो बात आती है ना कि आपने चाय को सेल किस तरह करना है, अब वो चाय ऐसे सेल होगी, मैंने कोरोना का नाम लेके चाय को बना दिया, अब मैंने क्या किया है कि चाय को बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने लैंडस्केप में मतलब कैमरे को रखा जिससे हम वीडियो देखते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है जो बिल्कुल सेल्फी बनाते हैं वैसे नहीं, दूसरे तरीके से मैंने मोबाइल को रखा अपने। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आप बताने चाह रहा हूं कि हम जो है आज बनाने चाह रहे हैं जितने भी कोरोना पेशेंट है उनके लिए या उनके अलावा जितने भी लोग हैं उनको कैसे मतलब आप चाय पीकर अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, आपको अगर कोई सिम्टम्स है, आपको कोई मतलब ये बातें हैं, ये मेरी बातें हैं मुंह से जो कर रहा हूँ, यही चीजें आपने प्रेजेंट करनी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, चाय एज इट इज वैसी बना दी, अब मैंने उसमें एक एडिशन कर दिया, वो क्या किया कि आप उसके अंदर एक चुटकी कलौंजी डाल दें। अच्छा, अब कलौंजी का मतलब हर बंदे को पता है कि कलौंजी बेसिकली एक आपका प्रॉपर वे भी है, इलाज भी है आपका, जो मतलब सबको ही पता है तकरीबन, और गर्म पानी है, ऑब्वियस है आपकी चाय गर्म होगी तो गर्म ही आएगी ना, मतलब फिर तो आप वो चाय भी आपकी गर्म पी रहा है वो बंदा, एक वो फायदा हो गया, कलौंजी आपने डाल दी उसको फायदा हो गया, एक गिफ्ट बेनिफिट आ गया आपके पास, अब क्या होगा, लोग उसको देखेंगे, मेरा कीवर्ड देखेंगे, मेरा टॉपिक देखेंगे, लोग आगे से आगे शेयर करेंगे, यार ये ट्राई करो, यार ये ट्राई करो, ये देखो मेरा कॉन्टेंट बिक गया। ऑब्वियस है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर आपको भी ये वीडियो का कहीं थंबनेल मिल जाएगा तो 100% आप देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि इस टाइम प्रॉब्लम ही चल रही है हमारे साथ, सेम इसी तरह हम लोग फूड बनाते हैं तो हाउ टू मेक लाइक फूड लाइक पिज्जा, ठीक है, हाउ टू मेक पिज्जा इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स इन 5 मिनट्स, अब मैंने टॉपिक तो ये दे दिया, टाइटल तो मैंने दे दिया, वीडियो के अंदर मैंने थंबनेल तो बना दिया, मेरा टाइटल इस कदर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वीडियो बिकेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम बहुत सारी चीजें और भी हैं, ठीक है, ये तो मैंने अभी कर दी, लेडीज की साइड की बात कर लेते हैं, मैंने अभी खातूनों के लिए बताया, लड़कियों के लिए बताया कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये बेस्ट एक वे है जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पास पूरा टाइम है, आप कुछ भी बना सकते हैं, 1000 चीजें बैठे तो अगर आप लोग ये काम करें सीरियस नोट के ऊपर तो आप लोग अच्छा खासा कमा सकते हैं। क्वालिटी पिक्चर्स, एक पिक्चर खींच लें उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो की रख लें, वॉइस की रख लें, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए आपको, आप कुछ फ्रंट पे नहीं है, आपके हाथ आ जाए या किसी के भी हाथ आ जाए आप वीडियो बना रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया फीमेल साइड का जो भी इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सेकंड थिंग, अब जो टॉपिक्स है ना वो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स, गेमिंग और मतलब जो फूड्स के ऊपर आ जाते हैं उसके वो चीजें, और एक जो है अब मैं देखिए स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप टॉपिक ऐसा लेते हैं तो एक मेरे ख्याल सवाल भी रेज हुआ है, सिर्फ एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर इसके बाद आप कर लेते हैं। अच्छा, देखिए टॉपिक ये होता है कि ना अभी इस टाइम जो स्पोर्ट्स के अंदर चल रहा है ना, नंबर वन के ऊपर जो हॉट सेलिंग और अच्छा पेड कंटेंट है वो है रेसलिंग, ठीक है,
पबजी है, बहुत सारी चीजें हैं मतलब जो आपको अलग अलग चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग मतलब बना सकते हैं वीडियोस। लेकिन इस टाइम सबसे हाईली पेड जो है वो है रेसलिंग। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सॉरी यहाँ पे कोई भी इतना कोई काम कर नहीं रहा। कुछ दो तीन लड़कों ने बनाए थे चैनल वगैरह, वो भी बस थोड़ा सा काम करने पर रुक गए, क्योंकि हमारा कॉन्टेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की आवाम कम देखे और बाहर की आवाम ज्यादा देखे, तो हमें बेनिफिट वहां पर ज्यादा मिलता है, अर्निंग ज्यादा होने की रेशो ज्यादा। अच्छा ये चीजें तो आ जाती हैं वीडियोस की, मतलब वीडियोस कैसे बनती है, कैसे है, क्या है, ये तो मैंने सारा बता दिया आपको। अब यूट्यूब कैसे हमें पे करता है? यूट्यूब आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, वो है गूगल एडसेंस। मतलब गूगल एडसेंस आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाए, चैनल बनाने के बाद आप उसके अंदर वीडियोस डालें, अच्छा कॉन्टेंट होगा, लोग अच्छे आएंगे, आपको मैं एड्स देता हूँ। जो हम लोग अक्सर एड्स आती हैं ऊपर, जो स्किपेबल एड होती हैं, जो हम लोग अक्सर वीडियो अपनी खोलते हैं, कोई भी वीडियो खोलते हैं तो उसके ऊपर वो 5 सेकंड या 6 सेकंड की एड आती है, वो हम स्किप करते हैं तो जाके वो होता है। जो स्किप कर रहे हैं जरा हमने टाइम देखा है ना उस एड को, तो वो उस बंदे को बेनिफिट हो रहा है जिसका चैनल है, ठीक है, तो वो तो बेनिफिट हो रहा है, जितने हमने एड देखी है वो उस बंदे को बेनिफिट हो रहा है। अब क्या होता है कि गूगल कहता है आपको एड्स मैं देता हूँ, आप अपने चैनल पे डालें, जितने लोग आएंगे मैं आपको उस हिसाब से मतलब पर व्यूज के हिसाब से, ये लंबा टॉपिक है कि फिर उसके इंप्रेशन आ जाएंगे, उसके सीपीसी आ जाएंगे, कितने मतलब आपको क्लिक्स मिलते हैं, मतलब वो एक अलग अलग चीज़ें, काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा सिर्फ एक गूगल एडसेंस का। अच्छा उसके ऊपर गूगल कहता है कि मैं आपको पैसे पे करता हूँ। अब गूगल पैसे पे कैसे करता है कि आपको वो अकाउंट बना के देता है, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल आ रही होती है कि आपका कैसा आपका जो है ना टॉपिक, मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब मैंने मेरे एक वीडियो के मतलब एक टोटल मेरे चैनल के ऊपर एक $100 हो गए हैं। अब $100 के बाद गूगल कहता है ठीक है आपका $100 हो गया, मैं आपको पे कर रहा हूँ, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको विद इन वन मतलब वो डिपेंड करता है, आपको एक दिन में भी आता है, दो दिन में आता है, कुछ घंटों में भी आता है, तो आपको वो हर महीने जो है ना पेमेंट करता रहता है, ठीक है। अब वो पेमेंट आपको वाया वेस्टर्न यूनियन करता है, बैंक ट्रांसफर भी करता है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी करता है। अभी हम सवाल पर आते हैं, पहला सवाल है ओके पहला सवाल जो है मेरे ख्याल है कि जैनब कोई है, उन्होंने सवाल किया है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? शजीर इसमें कुछ क्वेश्चंस ये राइज हो रहे हैं कि हमारा चैनल बनता किस तरीके से है। जी जी सर, ठीक है, हम लोग चैनल बनाया कैसे जाता है, वो लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, और कुछ लोग क्वेश्चन है कि बेसिकली अगर हम एक एफर्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्टेंट एक ही लेवल के ऊपर है, तो उसके ऊपर क्या वो YouTube उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और थर्ड थिंग इज दैट कि आप 11 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं YouTube के ऊपर, तो आप और कितना इसका बेनिफिट है, और क्या ये वन टाइम होती है या परमानेंट होती है, मतलब कोई बंदा अपनी जिंदगी के इसकी जो अर्निंग होती है वो पर मंथ होती रहती है हमें या वन टाइम होती है। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कंटेंट बनाया कैसे जाता है, उसके ऊपर हैशटैग कैसे लगाए जाते हैं, और जब हम एक वीडियो बनाते हैं तो हमें लाइक्स नहीं मिलते, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हमें, वो कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ कुकिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन वो एक ही दफा एक ही पोस्ट लगा ला के जल्दी फायर अप हो जाते हैं, मतलब उन्हें किस कदर स्टेमिना चाहिए होगा इस यूट्यूब पे रहने के लिए। प्लीज कंटिन्यू। जी जी, अच्छा पहले तो पहला सवाल था कि YouTube चैनल बनता है किस तरह है, ठीक है। हमारे पास एक जो है सबसे पहले एक बहुत जरूरी है, जो आप एक Gmail का अकाउंट बनाएं, YouTube जाएं, आप अपने उसको लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आपका जो ऊपर मार्क बना होगा राइट साइड पर टॉप पर, उस पर जाकर आपके पास आएगा योर चैनल, योर चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपका लिखा हुआ आएगा क्रिएट अ चैनल। उस क्रिएट अ चैनल के अंदर जाकर आप अपनी डिटेल्स दें कि किस टॉपिक के ऊपर आप बना रहे हैं, वो डिटेल्स देने के बाद आपका टाइटल और मतलब जो आपका नाम है वो आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये बहुत इजी है, एक स्टेप है कि जब आप खुद यूट्यूब खोलेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, आपको हर चीज आसानी से पता लग जाएगी। अभी मेरे पास टाइम सर इतना मतलब है नहीं, वरना मैं आपको प्रॉपर जो है ना मोबाइल में खोल के हाउ टू मेक, क्योंकि अगर मैं खोलूंगा तो बाकी सवाल रह जाएंगे, तो एक ही सवाल आएगा, तो ये अगर खुद देख लेंगे तो ज्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा दूसरा सवाल कि सर आपने एक और सवाल किया था सेकंड के किस तरह नहीं क्वेश्चन मतलब, था इसमें आप इतने अच्छे से कर रहे हैं तो अर्निंग कितनी है, मतलब जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आपके मतलब 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं कि आप पर मंथ कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ताकि हमारे यूथ अगर इस फील्ड में जाए तो उसको क्या उसका स्कोप कितना है उसका।
अच्छा ये वैसे बड़ी पर्सनल बात है, मैं बता देता हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरा मक्स से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा मेरे बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। मैं मतलब मेरे जिस क्योंकि मुझे तकरीबन अच्छा खासा टाइम हो गया, मैंने अच्छा इक्विपमेंट खरीदा हुआ है। अब मैंने मतलब मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को हायर करता हूँ, उनसे वीडियोस बनवाता हूँ और उनको पे करता हूँ। मतलब ये मेरा अलग अलग चक्कर है। मेरे पास तकरीबन 5 चैनल है, ठीक है, जो मेरे सिस्टम रनिंग के अंदर है। मेरा एक यूट्यूब चैनल जो मिनिमम अमाउंट मुझे देता है वो $200 to $250 या $200 ये हर महीने देता है मुझे वो, ठीक है। अच्छा अब चक्कर ये है कि एक सवाल आता है कि ना यार आपको एक दफा पैसे मिल गए $200 का मतलब है कि 35 to 30,000। जी सर ये मिनिमम मेरा मतलब ये सबसे लो चैनल जो है उसकी अमाउंट बता रहा हूँ आपको। एवरेज आप कह रहे हैं $200 तक आप कह सकते हैं। जी सर आराम से मतलब तकरीबन $200 to $300 आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैं मतलब हर मंथ वो आता ही रहता है आपको। नहीं सर वो डिपेंड कर रहा होता है कि मेरे वीडियोस कितनी मतलब चल रही हैं उस हिसाब से। अच्छा अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मैंने यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा है, $200 मेरे पास आ गया है और मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, तो एक चीज दिमाग में रखें कि मेरे जो $200 है वो मेरे डबल हो जाएंगे, $400 मेरे नेक्स्ट मंथ जो है वो आएंगे, ये कंफर्म है। अच्छा इसमें $300 भी हो सकता है, $350 भी होता है, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क कि आपका काम मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक दफा डालता हूँ एक महीने के अंदर मेरी 30 वीडियोज आ रही है और मैंने एक महीने डाल दी 10 वीडियो डाल दी तो ऑब्वियसली काम में फर्क आएगा, ठीक है, भी कमी आएगी। अच्छा दूसरी बात ये कि इसकी हर महीने जो अर्निंग है वो इंक्रीज होती है। मैंने अपने नान की बात बताऊँ आपको कि मैंने जितनी भी खातूनें थी सबको लगाया अपने इन कामों पे और सबके हस्बैंड मुझे दुआएं देते हैं बहुत हाथ जोड़ के और हाथ उठाकर कि मेरे शुक्र है तुम लोगों ने हमें काम धंधे पे लगा दिया लोगों को। अच्छा अब वो क्या है कि सॉरी टू से मतलब जो काम धंधे पे लगाने से मुरा दिया था कि वो बाकी चीजों की जो होता ना खानदानी प्रॉब्लम्स उनसे दूर होके इन चीजों पर आ गए, तो वो लोग कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको मतलब इसकी सारी चीजें रिसीविंग वगैरह हर चीज मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। और मतलब जो मतलब फीमेल्स हैं उनको ज्यादा 4 से 5 महीने हुए हैं। अच्छा इसमें एक चीज बहुत जरूरी है वो है पेशेंस, कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पैसे नहीं आ रहे, एक महीने के अंदर नहीं हो रहा मेरे मतलब मुझे ज्यादा मेरे फॉलोअर्स नहीं हो रहे, मेरे ज्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो आपने घबराना नहीं है, इमरान खान को याद करना है, घबराना नहीं है। तो आपने उस टाइम क्या करना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपके कि आपने सब्र करना है और काम को रोकना नहीं है। सबसे ज्यादा मसला ये आता है कि 1 करोड़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ अगर आपने यूट्यूब अकाउंट बन गए ना एक महीने के अंदर, तो मैं आपको बताऊँ रेशो क्या आ रही है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 1,000 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं बाकी के सारे फ्लॉप हो गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो क्या होता है कि वो ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार उसका चैनल तो वो तो कमा रहा है लाखों रुपए और मैं एक महीने से काम कर रहा हूँ मेरे पास वीडियो पैसे नहीं आ रहे, एक पैन नहीं आए ऊपर से, बल्कि मेरा रिक्शा किराया लग गया, ऊपर क्रीम का किराया लग गया। तो इस चीज को दिमाग से हटा दें, ठीक है, इस चीज को दिमाग से हटाएं, आप काम करें, ये बात दिमाग में रखें कि आपका पहला महीना नहीं, दूसरा महीना नहीं, तीसरा महीना नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ चौथा महीना नहीं, चौथे महीने में आकर आपकी एक वीडियो वायरल 100% होगी जो आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट होगा। फर्स्ट वीक में भी आपका अच्छा मतलब वीडियो कोई वायरल हो सकती है और 200% आपकी वीडियो वायरल होगी, और जब यूट्यूब आपकी वीडियो वायरल करेगा तो आपका चैनल वायरल हो जाएगा। फिर आपने कंटेंट को अपने रोकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालते रहना है। ये मतलब सवाल हो गया क्लियर। मतलब वर्क नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है कि आप जिस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरा बिजनेस है, उसके बाद आपके पास इनकम ही है। शुरू में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम लगा रहे हैं, कुछ आप स्टार्टिंग पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपकी बेस बन रही है, और जब बेस बन जाती है तो फिर अर्निंग है। कैसे ही आप कह रहे हैं फिर अर्निंग है, फिर सर ये बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अर्निंग इतनी है कि कांट बिलीव कि आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे हर महीने इतने इतने पैसे कैसे आ रहे हैं। मतलब मैं अपना पीक बताता हूँ कि मैंने 14 लाख रुपीज मुल्तान के अंदर रह के आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले, मतलब मेरी जो ह्यूज अमाउंट थी 14 लाख रुपए मैंने अर्न किया था, और मेरे पास उस टाइम मतलब मेरा एक ब्लॉग चलता था और मेरा एक यूट्यूब चैनल चल रहा था उस टाइम, और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। मेरे अभी भी चैनल है, मतलब डेल्टा प्रोडक्शन, डैम शी नोज है। ये 1 मंथ में आपने लिया था 1,14,00,000? नहीं सर मेरा तकरीबन वो सर एक महीने की अर्निंग थी मेरी 14 लाख 14 लाख कुछ 1,000 थी, ठीक है, मुझे
जी सर, मुझे दो इंस्टॉलमेंट मिले थे, मेरे उसकी आज तक रिसीविंग इवन मेरे पास आज तक पड़ी हुई है. और मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब यूट्यूब से रेलिवेंट मेरे स्टूडेंट्स भी हैं काफी, जो काम कर रहे हैं, और कैन यू बिलीव कि सर वो साथ साथ 8-9 लाख रुपए कमा रहे हैं हर महीने. अच्छा, इसकी कमाने का तरीका क्या होता है कि थोड़ा सा ना इसमें टाइम चाहिए होता है कि आपके 4,000 आवर्स पूरे होने चाहिए. लाइक पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके जो पूरा चैनल है, अगर आपके 10 वीडियो 20 वीडियो है, तो आपको 40,000 घंटे मतलब आवर्स आपके लोगों ने देखे होने चाहिए, और 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर. 1,000 सब्सक्राइबर करना कोई मुश्किल है ही नहीं. मतलब ये ऐसे हो जाते हैं जब आपके अच्छा वीडियो हो, अच्छा कंटेंट हो, और आपके ऑटोमेटिकली आपने सोर्स लगाए. सबसे पहले काम करें कि आपका फेसबुक इंस्टाग्राम उसी चैनल का उसी नाम से होना चाहिए, और वही नाम यूट्यूब पर भी हो, वही नाम आपका फेसबुक पर भी हो, वही आपका इंस्टाग्राम पर भी हो, तो आपका 100% तीनों जगह से. देखो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो हर जगह पर आदत है. अच्छा, मेरे एक सवाल आया है सर, आपका यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? अच्छा, मेरे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, मैं अलग अलग मतलब फीमेल्स वगैरह भी हैं, जिस मेल्स भी हैं उनको हायर करता हूँ और बनाता हूँ. कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं जो आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, उनको भी लेके चलता हूँ. अच्छा, अब जो मेरा एक है डैम शी नोज, ठीक है, जिसके मुताबिक ना कि मेरी $200 मतलब ये मिनिमम मेरी जो अमाउंट आ रही है वो भी स्टार्टिंग मेरा है, और वो YouTube चैनल मैंने बंद किया हुआ था लेकिन मैंने उसके बाद स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वो जिस लड़की के साथ मैं कोलैबोरेशन कर रहा था वो चली गई थी, तो वो मेरे लिए वर्क करती है, वो वीडियो बना बना कर भेजती हैं, मैं उनको पे करता हूँ पर वीडियो. अच्छा, मतलब ये वे है, ये अलग अलग तरीके हैं, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप लोगों को हायर कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं उसको मतलब वीडियो पैसे पे करता हूँ, वो मुझे वीडियो बनाकर भेजती है, अपने घर से बनाए मैं बनाकर भेजता हूँ, कुछ भी हो. अच्छा, डैम शी नोज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, डेल्टा प्रोडक्शन के नाम से एक चैनल है, और बाकी बताऊंगा तो मेरे बहुत सारे हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं, तो वो आ जाएंगे. जी सर, और कुछ सवाल? अच्छा, अपने नेम से रख सकते हैं चैनल ये, और आर्ट क्राफ्ट डिजाइन से भी. अगर देखें, मैं मेरा बेसिकली कहना ये है, बार बार मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मायने रखती है इस चीज को. फॉर एग्जांपल कि मेरा मुझे शौक है फॉर एग्जांपल गिटार का, मैं गिटार की कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ लोगों को, गिटार के बारे में नो हाउ देना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब अब मैं सजीव लेकर उसके चैनल का नाम रखूँ? नहीं, पॉसिबल है, मतलब फायदा नहीं है. अब मैं लिखूंगा कि ना गिटार फैंटेसी, ठीक है. अब मतलब मैं उसके अंदर गिटार की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली मेरा एक कीवर्ड हिट करेगा, जब लोग सर्च करेंगे तो मेरा वो नाम पहले नंबर पर आएगा. उसकी वजह ये है क्योंकि गिटार फैंटेसी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरे चैनल का नाम ही वो है जो उस लड़के ने या लड़की ने सर्च किया है, तो मुझे वहां से बहुत बेनिफिट होगा कि मेरा जो चैनल है वो फर्स्ट पर आ जाएगा. क्यों? अगर वो सजीव लियाकत लिखेगा तो गिटार फैंटेसी नहीं आएगा, वो सजीव लियाकत आएगा. तो वो कीवर्ड्स लिखें, वो टॉपिक्स रखें जो आपके ट्रेंडिंग पे आ जाएं, मतलब उसी चैनल का. कुकिंग का है तो आर्ट का है तो आर्ट्स के ऊपर रखें, ठीक है, और इसी तरह अलग अलग चीजों को उस पे दिमाग में रखें बनाएं आप चैनल. सजी, जो आपने बताया 40,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर्स, ये काफी मुश्किल टास्क है या इजीली फुलफिल हो जाता है? सर आप ये देखें कि ना मतलब अब मेरा तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, मतलब एक्सपीरियंस एक मैटर करता है. इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है आपको. एक चीज दिमाग में रखें कि जब वीडियो अपलोड करनी है आप अपने मोबाइल से मत करें, लैपटॉप या डेस्कटॉप से करें. उसकी वजह यह है कि जो उसमें ऑप्शन आते हैं ना वो आपके मोबाइल में नहीं आते, उसमें फिर आपको मतलब अलग अलग एप्लीकेशन है वो करनी पड़ती है, फिर वो फायदा नहीं होता. अच्छा, जब आप डालते हैं ना इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका टाइटल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स टैग्स, वो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक हो गया. जब अपलोड करते हैं तो आपको उसी तरह ही अपलोड करना पड़ता है, तो वो आप उसके लिए जितने भी चीजें हैं वो सारी ये लें. सर आपने मुझसे क्या पूछा था दोबारा? जी, जो 40,000 घंटे हैं और 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं, क्या वो इजीली मिल जाते हैं हमें या बहुत मुश्किल है? उसके लिए थोड़ा सा गाइड करो कि कौन से हैशटैग लगाने चाहिए, कौन सा जो है उसको गाइड करना चाहिए, क्या ये प्रॉपर कोर्स है? अगर आप उसे कोर्स करवा, मतलब आपके पास टाइम है और कोर्स करवा सकते हो तो वो भी मुझे बताओ. बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं, दे वांट टू स्टडी दिस कोर्स.
सर देखें ये बेसिकली एक दिन की गेम है भी नहीं ना, मतलब एक दिन में बताया जा भी सकता था। अच्छा चक्कर ये है कि ये जो है ना एक एक चीज को बहुत जरूरी होता है कि हर चीज आप देखें और उसको देखने। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा तो मतलब उसमें ये होता है कि ना आप जो है 4,000 घंटे किसी ना पूरे करते हैं, पहले वाली बात होगा, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, आपके टैग्स अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका इंक्रीज हो जाता है, इतना बड़ा मसला ही नहीं है। थोड़ी सी लेंथी वीडियोस डालें, लाइक 10-10 मिनट की, 8-8 मिनट की, 5-5 मिनट की वीडियोस डालें, ठीक है, वो 100% होती है। अच्छा मैं क्या करता हूँ हम क्या मतलब हमारा चक्कर ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि ना हम लोग एक फिल्म बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर कराची में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो अलग अलग फिल्म मतलब बनाते हैं, अपनी शॉर्ट फिल्म हो गई या इस तरह की चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं, वो एक एक घंटे की मूवीज होती है, हम लोग उसको लेकर उसके थंबनेल चेंज करते हैं और उसको डाल देते हैं। अब वो एक घंटे की मूवी है, अगर 4,000 लोगों ने देख लिया तो ऑब्वियसली हमारे वो टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दो नंबरियां नहीं करनी, मैं फिर बता रहा हूँ, ये दो नंबरियां नहीं करनी। मतलब लोग क्या करते हैं कि वो जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं से मूवीज उठा ली, पुरानी मूवीज उठा उठा के डालते हैं, ठीक है। हाँ वो भी अच्छा काम है, बुरा नहीं है, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो कॉपीराइट से बचें, और मतलब मैं तो कहता हूँ हमेशा काम करें, कॉन्टेंट अच्छा रखें, ओरिजिनल रखें और उसी पे काम करें। Is it 40,000 for our for four or four? नहीं, इसमें 4,000 hours हैं, मतलब 4,000 घंटे, like 4,000 hours और 1,000 subscribers. ये आपके मतलब ये पूरा करना होता है आपको. तो अच्छा training software कौन सा अच्छा है जिसपे videos बनाई जाएं, और वो कुछ questions कर रहे थे कि कौन से software पे videos बनानी चाहिए? सर वैसे तो मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारी आपको चीजें मिलती हैं, प्ले स्टोर पे जाएं आपको बेनतहा मतलब सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। हम लोग जो करते हैं वो अडोब प्रीमियर पे करते हैं, उस पे अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी हैं, मिक्स पैड वीडियो एडिटर भी है। मिक्स पैड बेसिकली अगर किसी के पास लैपटॉप है तो उनके लिए बहुत आसान है कि एक है वीडियो पैड के नाम से, ठीक है, वीडियो पैड, ठीक है, वो डाउनलोड करें, वो बहुत आसान है, बहुत मतलब इजी है और मतलब बहुत अच्छा है, लाइट है, आपको इजी हो जाएगा। अडोब प्रीमियर है, मतलब अगर आपने ज्यादा अच्छे से जाना है तो आपके पास अडोब प्रीमियर है, आप प्रीमियर डाउनलोड कर लें, मतलब प्रीमियर इंस्टॉल करवा लें। मोबाइल के अंदर आप जाते हैं तो मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं, आपको लिखेंगे तो आपको एफएक्स के नाम से एक है जो एडिटर है, क्योंकि मोबाइल एडिटिंग के ऊपर मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, उसके अंदर हम वीडियो पैक डाउनलोड करें और आपका जो है जितने भी वीडियोस हैं वो प्रोफेशनली वहां से एडिट करें, वही आपका डायरेक्ट आपका यूट्यूब पर अपलोड भी कर देगा। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, जिस तरह आपके अब यूट्यूब अलग खोले, एक अलग खोले, वो आप एक दफा लिंक कर दें ऑटोमेटिकली, वहां पर टाइटल दें, डिस्क्रिप्शन दें, टैग्स दें और हर चीज वो एज इट इज आपकी वहां पर अपलोड कर देगा। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है फ्रॉम फॉर यूट्यूब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर लास्ट सेशन आपका था हमारे पास फोटोग्राफी के ऊपर, तो फोटोग्राफी के बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जो है ना उन्होंने टास्क शेयर किया था और कुछ ने पिक्चर्स भी सेंड की थी, तो वो आपने उसको भी फीडबैक नहीं लिया, तो वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसका नेक्स्ट सेशन भी होगा फोटोग्राफी से रिलेवेंट आपका? सर होने को तो हो सकता है, असल में मेरा हो जाएगा इंशाल्लाह, वो आपसे मैं डिस्कस करके कुछ मुझे लोगों ने मुझे भेजी तस्वीरें, मतलब उसमें मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा, वो एक दो फोटोग्राफ्स थे वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मतलब मैंने बोला था कि मुझे आपने पिक्चर्स भेजनी है जो ऑन द स्पॉट, मतलब आपने आज अपने घर के अंदर कोई अच्छी सी चीज निकाल कर उसको कलरिंग कर देखकर फिर आपने मुझे भेजी थी, लेकिन वो मुझे पहले की तस्वीरें भेजी थी, वो अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी थी, मजा आया देखकर, काम अच्छा था। मुझे उनका भाई का नाम नहीं आता जिसने मुझे ब्रिज की तस्वीरें भेजी थी, अगर वो सुन रहे हैं तो वो हाथ वेव कर दें, ठीक है। वो ब्रिज की तस्वीर थी, वो बहुत अच्छी थी, टाइमिंग अच्छी थी, परफेक्शन थी हर पिक्चर के ऊपर, ठीक है। और एक और कोई तस्वीर एक आई थी वो भी अच्छी थी तस्वीर, मुझे उसका याद नहीं आ रहा अभी, वो भी अच्छे थे, नाम किसी के पता था नंबर है तो मैंने पिक्चर देख के मैंने उसी टाइम बताया था कि पिक्चर अच्छी है, लेकिन ये था काम अच्छा था। सर जो आपने शेयर की थी तस्वीरें वो भी अच्छी थी, जो मेरे पास पहुंची थी वो भी अच्छी थी, काम मजे का था, इंटरेस्टिंग था। Good, that's good. तो इसका मैंने सेशन आपसे पूछा था कि YouTube का प्रॉपरली कोर्स जो करना चाह रहे हैं तो क्या आप उनको कंटिन्यू करेंगे?
सर जरूर करेंगे, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। बस मतलब आपसे मैं इस टॉपिक पर हम अलग से बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और जितने भी हैं मतलब प्रॉपर यूट्यूब, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक दिमाग के लिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस अपने आप को समझेगा, आप ये मत समझिए समझेगा कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका अपना बिजनेस है। ठीक है, यू रन योर ऑन बिजनेस, और उस बिजनेस के ऊपर आपका लॉस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन उसको आपने उस चीज को दिमाग में रखकर फिर आपने काम करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मैंने एक महीना लगा दिया इस ऊपर, कोई व्यूज नहीं आ रहा, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो इस चीज को दिमाग से हटा दें। अगर आपने कंटिन्यू रखी ना अपने मतलब कंटिन्यूस आपने उस वीडियोस को अपलोड करते रहे, तो 100% आपका यूट्यूब चैनल हिट होगा, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम पेपर्स देते हैं और हम जो है वो लेवल क्रॉस करते हैं, तो आप समझते हैं कम से कम इसके लिए 6 माह या साल देना चाहिए हमें। सर यूट्यूब के लिए 6 महीने और 1 साल, तो मतलब YouTube आपका 1 महीने के ऊपर भी आपका रिजल्ट दिखा देगा आपको YouTube, मतलब लेकिन ये इसी तरह मेरे जो देखा है वो रेशियो जो चल रहा है वो 2 से 3 महीने के अंदर, सर 6 माह तक बहुत अच्छा मिल जाता है रिजल्ट, मतलब अच्छा नहीं बहुत अच्छा, आपकी अर्निंग भी आना शुरू होती है। ऐसी जो वीडियोस बनाई जाती हैं तो मेरे ख्याल उसके पहले के अंदर ही, जो पहला 1 मिनट होता है उसके अंदर ही हमें जो है ना हाइप क्रिएट करनी पड़ती है कि ये वीडियो है क्या, वीडियो में मैसेज क्या हुआ, एंड तक क्या है, और लास्ट में हम खाल कहते हैं बच्चों को कि सब्सक्राइब करें, जितने भी हमारे ऑडियंस होते हैं जो देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ही होता है शिजी भाई जी। सर सर ये तो बेसिकली कॉन्टेंट है ना, कि आपका कॉन्टेंट में क्या है, तो हम मतलब मैं कहता हूँ कि आपका वीडियो ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा मजबूर हो जाए देखने के लिए कि यार ये वीडियो डाली है तो डाली क्या है। मतलब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ भी नहीं हो ना, अगर मैं लिख दूं या कोई ऐसी कोई वीडियो डाल दूं कि मायरा खान को ना कोरोना हो गया, आए वीडियो देखें, मतलब पहले दुनिया पागल हो जाएगी ना, खुदा की कसम मतलब पागल हो जाएगी दुनिया, और वो देखने के लिए कि मायरा खान को कोरोना, चलो देखते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर आप यकीन करें, मतलब मैं उन लोगों को सलूट करता हूँ कि वो लोग पता नहीं कौन सी दुनिया से हैं, कि एक चीज आजकल आपको पता है कि हर जगह पूरे पाकिस्तान में मतलब बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है, लेकिन वो लोग अलग अलग निकल निकल के बता रहे होते हैं कि भाई ये इलाका बंद है, भाई ये देखो ये हो गया, भाई ये हो गया, कराची के लोग हैं, और मैं कहता हूँ यार जब एक चीज बंद है तो तुम क्यों बाहर निकल के वीडियो बना रहे हो मेरे भाईयों, मानो यार अपनी जिंदगी सुकून में लाओ, घर वालों की जिंदगी सुकून में लाओ। लेकिन वो एक पैसे आ रहे हैं उनके पास, तो उन्होंने यूट्यूब चैनल वीडियो बनानी है और बहुत जरूरी है उनके लिए, तो ये जज्बा भी चाहिए वीडियो बनाने वाला, और ये बताने का मकसद भी ये था कि मतलब ये जज्बा भी चाहिए कि अगर कोरोना आ गया मसला नहीं है, टेंशन फ्री, उनका पैसे आ रहे हैं, उनको पता है कि मैंने अर्निंग करनी है, तो वो ऐसे ही होगी, मतलब वीडियो रुक नहीं सकती। अच्छा, हर दर्जे का झूठ पर मुबनी टाइटल होता है बस व्यूज के लिए बाज वीडियो पर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 2 नंबर तरीके से अपने चैनल को चलाना चाहते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहली बात ही बताई कि आपका 100% आपको अपना काम करना है, अपना कंटेंट क्रिएट करना है, अपनी चीजों को लॉन्च करना है, अपनी आवाज, अपनी वीडियो, अपना कंटेंट, तो कभी भी जिंदगी में आपका यूट्यूब ना आपको कॉपीराइट इशू देगी, क्योंकि आपका हेलो से लेकर अल्लाह हाफिज तक आपका अपना ओरिजिनल है। YouTube इस काम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है कि अगर मैं 1 घंटा बोला हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम किसी से मिलकर जी आकर, तो आज मैं आपको गाना पर तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, अब इसको पूरे वीडियो के अंदर ये तो मैंने एक चीज गलती की है, वो क्या की है पता आपको, मैंने एक चीज यूज की है तेरा यकीन क्यों मैंने किया, ये मेरा कॉपीराइट नहीं है, ये मैंने एक गाना गा दिया जिसके ऊपर मुझे कॉपीराइट आ गया, वो कॉपीराइट इतनी इतनी चीजों पर दे देता है आपको। जब आप चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, अपने गेमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप गाने जो शजी लास्ट मिनट से हमारा चल रहा है।